नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। विशेष अदालत का फैसला, फर्जी डीएसपी ने युवती से दुष्कर्म कर उसी के खिलाफ 5 जिलों में 6 झूठी रिपोर्ट लिखाई। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद, शादी से इनकार करने पर मुंगेली की 27 साल की युवती के खिलाफ मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 6 से ज्यादा झूठा केस दर्ज करने वाले आरोपी पीयूष तिवारी को विशेष अदालत ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वो खुद को डीएसपी बताता था। उसने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर बेहोश किया और उसी हालत में दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने वीडियो बनाया, उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर शादी के लिए दबाव डाला। युवती नहीं मानी तो अलग अलग थानों में ब्लैकमेलिंग, मारपीट, झूठे केस में फंसाने की धमकी और 420 का केस दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। आला अफसरों से शिकायत के बाद युवती की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी पीयूष को उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित युवती को वो पिछले 8 साल से परेशान कर रहा है। झूठे केस के कारण युवती अदालत के चक्कर काटती रही। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेली निवासी 27 साल की युवती की करीब 8 साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान टिकरापारा के पीयूष तिवारी से उसका परिचय हुआ। पीयूष ने खुद को डीएसपी बताया। उसके बाद पीड़ित युवती और पीयूष के बीच फोन में बातचीत होने लगी। शादीशुदा होने के बाद भी पीयूष युवती के पीछे पड़ गया। वह युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। युवती को मिलने के लिए रायपुर बुलाया। आईवीवाई होटल में युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। युवती बेहोश हो गई। इसी हालात में उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। युवती ने 2018 में बिलासपुर के युवक से शादी कर ली। इसकी जानकारी होने पर वो युवती को फिर परेशान करने लगा। इतना ही नहीं, मुंगेली के तत्कालीन एसपी से मिलकर युवती के खिलाफ वहां 2 केस दर्ज कराए। फिर उसने दुर्ग में एक जालसाजी का केस दर्ज करवाया। इस बीच उसने युवती के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। तब युवती ने कुम्हारी थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसे बाद आरोपी ने नया षड्यंत्र रचा। आरोपी ने युवती के नाम से फर्जी शपथ पत्र बनाकर कोर्ट में समझौता नामा पेश कर दिया। उसके बाद बेमेतरा, बिलासपुर और रायपुर के मोदहापारा में उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद युवती ने आला अधिकारियों से मिलकर पूरी हकीकत बताई। एक युवती के खिलाफ 6 से ज्यादा एफआईआर देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। फिर उसकी शिकायत पर विभागीय जांच की गई। उसके बाद युवती की शिकायत पर कोतवाली में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। इस मामले में विशेष अदालत पंकज सिन्हा ने आरोपी को आजीवन कारावास दिया है। आईपीएस और टीआई जांच के घेरे में, आरोपी एक आईपीएस और टीआई का करीबी है। दोनों अधिकारी जहां जहां पदस्थ रहे, वहां युवती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब युवती की शिकायत पर दोनों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।